हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाल रखी है। ये रिक्रूटमेंट लगभग एक महीना हो चुका आई थी और कल इसका जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो सिर्फ आप लोगों को रिमाइंड करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि कौन कौन सी पोस्ट है, किस पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे हर कोई कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सके। सिर्फ और सिर्फ कल का दिन और आज का दिन, दो दिन है आप लोगों के पास, कल इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। तो इसमें जो आप लोगों की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, ये इनकी वैकेंसी कैटेगरी वाइज। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, पोस्ट नंबर 3 पर ध्यान देना है, पोस्ट कोड 3, और पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे, टोटल वैकेंसी इसमें 237 है। कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर लेना। तो हम ज़्यादा ध्यान रहेगा हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे पर। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो ये आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट, इसमें ग्रेजुएट चाहिए आप लोगों के पास, और उसके बाद इसमें सीनियर असिस्टेंट में आप लोगों के पास ग्रेजुएट होना चाहिए लेकिन बी कॉम प्रेफर किया जाएगा, और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद ये है आप लोगों का जो मैंने पोस्ट नंबर 3 बताया था, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए है इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे में। आप लोगों ने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, फिर आप लोगों ने बीबीए कर रखी हो, एमबीए कर रखी हो, या फिर आप लोगों ने बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, कुछ भी अगर आप लोगों ने कर रखा है, सिंपल ही ग्रेजुएशन में आता है, तो आप लोग इसका फॉर्म को जरूर भरिएगा। सिंपल ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे, एनी ग्रेजुएट। बाकी आप लोग देख सकते हैं इसकी बीकॉम है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और इसकी जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस में आप लोग की बीटेक चाहिए, इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, या फिर ऑटोमोबाइल में, और इसमें आप लोग की डिग्री होनी चाहिए लॉ में, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ वाले में। तो ये थे इनकी हर एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी भी किसी भी कैंडिडेट को किसी भी पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोगों का जो रिप्लाई है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और एज लिमिट आप लोग देख लीजिए, जूनियर असिस्टेंट की 30 है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की थोड़ी सी यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों की एज 27 होनी चाहिए एज नाउ ऑफ 4 सितंबर, यानी कल के दिन, कल जो आप लोगों की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन तो आपको पता ही है। अब आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देख लेते हैं। तो 5 अगस्त से इसका फॉर्म शुरू हो चुका है और 4 सितंबर यानी कल तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, और एग्ज़ाम डेट इन्हें अभी अनाउंस नहीं की गई है। एग्ज़ाम डेट जैसे ही अनाउंस होगी उसकी जानकारी मैं दे दूंगा आप लोगों को। और ग्रेड पे वगैरह देख लीजिए, तो इसमें 31,000 से लेकर के 92,000 इसका बेसिक रहेगा। तो इसमें आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे DAPA मिला करके, तो अप्रोक्सीमेट आप लोग मान करके चलिए 50+ इसमें आप लोगों की सैलरी बनेगी 50K, 50,000 से ऊपर आप लोगों की मंथली सैलरी होगी इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव में। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का तो और भी ज़्यादा है, ग्रुप बी की जॉब है आप लोगों की, बहुत अच्छी जॉब है इवन। तो इसमें तो मुझे लग रहा 60-70 के आसपास आप लोगों की मंथली सैलरी बनेगी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटरी में। तो सैलरी अच्छी खासी है, पर्क बहुत बढ़िया है इसके, और सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ये तो इसमें आप लोग, ये तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देख लीजिए। तो कैंडिडेट केयरफुली रीड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो उस ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल फंडिंग। तो इसमें जो फॉर द पोस्ट ऑफ, हाँ ये आप लोगों का हमारा है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटरे का हम लोग देखेंगे। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड, CBT होगा, MCQ टाइप का। और सबसे बड़ी बात जो है आपको ध्यान रखनी है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, और क्या पैटर्न होगा वो मैं आप लोग को इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो मैं हम देख लेते हैं, अगर आपको बताने की ये गाइडलाइन है कि कैसे कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो ये था आप लोगों का, तो इसका जो फॉर्म भरने का, जो अप्लाई करने का लिंक है ना, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा ज़रूर। और फीस वगैरह कितनी है, फ़ीस तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए फ़ीस मेंशन है, तो एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ 1,000, 1,000 रुपये आप लोगों को पे करने इसकी एप्लीकेशन फ़ीस। और फी सबमिटेड बाई ये SC ST PWD कैंडिडेट, और जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट। तो सिर्फ और सिर्फ एक तो आप लोगों को SC वाले, ST वाले, और आप लोग
जो भी पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो इनको कोई भी फीस नहीं देनी है, इनकी फ़ीस जीरो है। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा जो भी फीमेल एस्पिरेंट है। बाकी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 1000 पे करने पड़ेंगे। तो ये फ़ीस की डिटेल थी, तो फीस ज़ीरो है फीमेल्स के लिए, तो आप लोग इसको ज़रूर भरिएगा। अब हम लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे, इसकी 237 पोस्ट है। सिंपल ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी है। इसका जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150, और टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 2 घंटे की, यानी कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो पेपर का लेवल ईजी आएगा। और इट विल बी इंडिकेट या आप लोग का रीजनिंग का सिलेबस, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, पंक्चुअल होल, स्मॉल क्रिटिकल थिंकिंग, एम्बेडेड क्लासिफिकेशन, रीजनिंग। तो ये आप लोगों का एसएससी का सिलेबस है, जनरल रीजनिंग। उसके बाद 35 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के आएंगे। इसमें आप लोगों की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर, करंट अफेयर सब चीज़ पूछे जाएंगी। ये भी आप लोगों का प्योरली एसएससी बेस्ड है। उसके बाद इंग्लिश का देख लेते हैं। कंप्रीहेंशन 35 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, तो इसको आप लोग थोड़ा सा बैंकिंग कह सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों का ये भी एसएससी वाला ही रहने वाला है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, इसके सबसे ज़्यादा वेटेज है। और इसमें आप लोगों की रेशियो, प्रोपोर्शन, अर्थमेटिक है, और पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, प्रिज्म, सर्कल, आइडेंटिटी, रेडियन, डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें आप लोगों का अर्थमेटिक भी है और एडवांस मैथ भी है। तो ये प्योरली एसएससी बेस्ड पैटर्न है इसका। 40 सबके, हाँ, आप लोगों का रीजनिंग के 40 है और मैथ के 40 है 80, और 35 आप लोगों के जीके, और 35 आप लोगों की इंग्लिश। तो टोटल 150 क्वेश्चन बनते हैं, 2 घंटे की इसकी वेटेज है, टाइम रहेगा। तो ये था इसका एग्ज़ाम पैटर्न, प्योरली एसएससी बेस है। तो जो भी एसएससी हो या बैंकिंग वाले कैंडिडेट हो, आप लोग अगर इसका फॉर्म भर रहे हो तो ज़रूर भरिएगा। जीरो फीस है फीमेल कैंडिडेट, तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। कल अंतिम तिथि है, और इसके हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मेरे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों को किसी को भी अगर किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो एक नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो जाएगा, 7409781828। इस नंबर पर व्हाट्सअप जा कर के हेलो बोलिएगा, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो यहाँ से आप लोग नोट्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो ये डिटेल थी इस रिक्रूटमेंट की। बाकी इसकी क्लासेस जल्दी फ्री में स्टार्ट की जाएंगी यूट्यूब पर। तो आई होप आप लोगों को रिक्रूटमेंट पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टेट चैनल की ओर से दी गई रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लो, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से, उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टेट चैनल से दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।